वेलकम टू माय व्लॉग। तो अब ये मुटके हुए हैं। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं, मैं तेरे पियूष कैद लाना। अब हम पहले जा रहे हैं सूरजती का रहे हैं, फिर कीमा ले रहे हैं। तो ताक शक आए, बाकी चेक करो खानदान से बड़ी ज्यादा बिस्ती आपके भाई के हो रही है कि डोले शोले नहीं मार रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसलिए पहले हम लेंगे कीमा, तो उसके बाद फिर हम लेंगे कोई आलू और क्या लेंगे, हम टमाटर शमाटर लेंगे, बाकी फिर आपको अगला सीन साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो जिसे मैंने मतलब सब्सक्राइब ही ना किया, पहले सब्सक्राइब कर दो यार, आपको रोज़ नोटिफिकेशन आया करेगा, तो बस मज़ा आएगा आपको। बाकी बातें बाद में करते हैं। तो पहले हम चलते हैं, पैसे वैसे पकड़ते हैं, फिर दोबारा एक दफ़ा फिर चीज़ें पूछते हैं, तो फिर हम चलते हैं उसके बाद सामान लेंगे। ओके तो यार यहाँ पे आगे कीमत चीमा लेने पर हम कॉफ़ी बना पा रहे हैं, साइड में छाँवे खड़े दरख्त के नीचे के भाई चेक करना ना हो जाए, समझ रहे बात को आप लोग। तो बस वो हमारा ये बन रहा है, और बाकी आपको अभी आपको भी चीज़ चेक करना, वाइट मोड़ गया, चेक करो दादा यार, वो तेरी खैर चेक करो भाई, माशाल्लाह बड़े प्यारे लगे यार मुझे तो। मुझे वैसे भी ना शौक है यार, ये चेक करो कसम से, वे ये बड़ा बड़ा है। आपको वैसे कैमरे में छोटे नज़र आ रहे हैं, मैं खुद भी देख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो छोटे लग रहे हैं वैसे, खैर ज़्यादा बड़े हैं। तो ये सबसे बड़ा ये वाला है, बाकी हम आपको बकरे का विज़िट करवाते हैं, बकरों का बाइक चाबी चलो खैर है, बाकी चेक करो। अभी बड़ी ईद भी आ रही है, तो तब भी इंशाल्लाह मज़ा आएगा, कुर्बानी रहेंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे यार। एक तो मेरे घर वाले बड़ा तंग है यार, कहते लेनी है ठीक है, पर कहते हैं हमें ईद वाले दिन मंगाएंगे या चांद रात मंगवाएंगे, पर फिर भी कोशिश करूँगा, जिद शायद करूँ यार। वो भला क्या मसला है, संभाल लेगा उसे ठीक है। एक तो हवेली नहीं अपनी है, अपनी हवेली हो तो कोई मसला नहीं है, बंदा रख भी लेता है घर में, बंदा बाहर किधर रखे, ऊपर बैठा या बकरा, तो वो फिर गंद बड़ा होता है, समझ रहे ना जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ। तो बस अभी यही बात है, कोई बात नहीं, कोशिश हम करेंगे। वैसे हम हर दफ़ा लेते होते पहले ही है, जो बैठा होता है ना वो तकरीबन चांद रात को आता है ठीक है। पिछली ईद भी हुआ था कि ईद वाले दिन ही आया था, शादी के सही आ गया ना भाई, शीशे शीशे चल भाई ख़त्म, ब्लैक कलर का लिया था भाई, इतना खतरनाक हुए हुए हुए, पर उसे भाई वो जो कसाई आया था ना जिसने सिबा किया से, वो बड़े प्रोफेशनल बंदे थे, शू 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 भी फेरी उन्होंने उसी टाइम वो सिबा कर दिया से। तो इस बार देखते कब आता है, तो वैसे हम लेते रहते हैं हर दफ़ा, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी लेंगे। तो बस बाकी अगला सीन पार्ट आपको बाद में बताइए कि सारा कुछ, अभी कीमे शीमा लेते हैं, उसके बाद हमने प्याज लेना है, टमाटर लेना है, तो फिर अगला सीन पार्ट जो होगा वो दिखाएंगे। और आपके महीने ब्लॉग बनाए भी हुए कुछ, तो वो मेरे पास पड़े हुए हैं, वो बस एडिट भी होने वाले हैं अभी, तो मसला तो ये वाला भाई, हाँ जी ब्लॉग भाई। तो वो बना ब्लॉग मैं कह जी ब्लॉग। तो बस अभी हम क्या कहते हैं, कौन से बात कर रहे थे, तो यार मुझे टाइम ही मिल रहा है, जैसे आपको पता दादू की डेथ हो गई थी, साहब लोगों ने दुआ दादू की मजबूत करनी, याद से दुआ करनी भाई, याद से सब्सक्राइब याद से करते हो ना ठीक है, लोग भी याद से देखते हैं, ऐसे वो याद से नहीं करना हम। तो बस हम फिर आगे चलते हैं, पकड़ते हैं, बड़ी लंबी बातें शर्तें कर ली है। तो यार आपके भाई के लिए, आपके भाई के लिए मतलब मेरे लिए ले लिए, चलो कि यार ये गोश्त ले लिए, समझ लग रही क्या ना क्या, चेक करो बस आपको देख कराते हैं ला याद का। तो बस अभी हम आपको कैसे दिखाएंगे यार, चेक करो नज़र आ रहा है खून खून, ओए 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 माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह, ऐसे तो कचा देखे वैसे लिखा हो जाता है, देखिए जब बनेगा तब हम खाएंगे, क्योंकि आपके भाई के लिए स्पेशल बाबा ने तैयार कराया है, ये पता नहीं चर्बी है, लगे चर्बी से बगैर जिससे ताकत आती है बस, जिससे बंदा मोटा होता है। बाबा कहते हैं मैं पाकिस्तान आया हूँ, इतने कमज़ोर लग रहे हो, सारा दिन काम ही करते रहते, मैं बस बाबा ब्लॉग आप देखा करें आपको पता चले बस सारा दिन काम करता हूँ या क्या करता हूँ, समझ रहे हो समझ रहे हो। यार सब्जी वगैरह ले ली, सारा कुछ सामान ले लिया, ये देख लो यार जरा, ये देख लो ये सामान सारा कुछ पकड़ लिया हमने, तो उधर जरा थोड़ी लड़ाई होगी थी, मसला भर गया था, तो मैं बाकी आपको सारा सीन पार्ट कर जाकर बताऊँगा, अभी मैं कर जा रहा हूँ, फिर आपको कर जाकर बताता हूँ, आगे बड़ा ज़्यादा लेट हो गया यार, आपको बाकी सारा कुछ कर जाकर बताते हैं क्या सीन होगा। तो यार आपका भी घर आ गया हुआ है ठीक है, सामान वगैरह जो कुछ लेना था अभी चेक करिए, एकदम शाम हो गई है, एकदम नहीं हुई, ब्लॉग लेट शुरू किया, जो कुछ लेके आया वो के मैंने खा पी भी लिया, तो बस रहा थोड़ा काम वगैरह खराब हो गया हुआ था, जैसे कि आपको पैसा लड़ाई हो गई थी बाजार में, तो वो अभी मैं ज़रा दुआ को लेके जा रहा डॉक्टर पे, क्योंकि उसकी ज़रा तबीयत खराब हो गई है, पता नहीं यार क्या, एक तो गंदा वायरस पाकिस्तान के बीच बढ़ गया, जाकर गुस्सा ही चढ़ गया मुझे तो बड़ा ज़्यादा, कभी मेरा गला खराब हो जाता है, कभी उसका हो जाता है, फिर कभी किसी और का हो जाता है, मैं आपको किस किस का बताऊँ यार क्या बताऊँ। तो जो लड़ाई हुई थी वो सॉल्व हो गई, मेरी लड़ाई ऐसी हुई थी कि मैं ब्लॉग बना रहा था, सब्जी जब लेने गया हूँ, तो पीछे एक बंदा था उसने पता नहीं कत्ल, हाँ उसे कत्ल हुए थे, उसके कोई मामू को पता नहीं कौन कत्ल हुआ था,
तो मुझे क्या पता था, मैं तो व्लॉग बना रहा था, पीछे मेरे आ गए भाई, मुझे आके कहता मोबाइल दे। मैं क्यों मोबाइल दूँ भाई, तो कहता भाई वीडियो एडिट करो, हमने कत्ल किए हैं, पकड़े जाएंगे, ये वो फलाना फलाना। तो बस छोड़ो, बाकी यार सुलह सुलह तो नहीं, मेरा क्या लगता था जिससे सुलह होनी वो, तो पहलवान लाई रोला थोड़ा हो गया था थोड़ा। कहता भाई मैं पुलिस बुलाने लगा हूँ, क्योंकि पहले मैं रीड नहीं था करा वीडियो, कहता भाई पुलिस बुलाने लगा हूँ। तो उसने बता, इसमें कसम से उसने खाल भी की थी। तो मैं क्या देखिए कि क्या हो गया, कोई बात नहीं पकड़ी जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो फिर उसके बाद फिर जब वीडियो देखी, मैं कह भाई सही सच्ची मुझे काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आ रहा है। मैं उसे दिखा नहीं था ना, मुझे क्या पता भाई बंदे को आ रहे हैं उसने या उसके मरे हैं क्या हिसाब था। मैं तो ब्लॉग बना रहा, पीछे खुद ही आ गया वो मेरे, मैं घूम फिर कैसे बातचीत कर रहा था ऐसे करके, तो पीछे नज़र आ गया, मेरी गलती उसमें कोई भी नहीं है। तो फिर आखिरकार मैं कहा चलो यार ज़्यादा नज़र आया, कोई अगले बंदे का यार कोई इशू हो सकता है। तो फिर अब तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी, कहता मुझे पकड़ लिया इधर से ऐसे पकड़ा, कहता रुक जाओ। मैं क्या अब हाथ नहीं खाना, अब मैं क्या मैं इसकी इज्जत कर रहा हूँ, ये बकरी वही जा रहा है। फिर रोला खत्म हो गया, फर्क रहा। अब हम फिलहाल चलते हैं डॉक्टर पे, उसे दवाई लेके देते हैं, फिर अगला सीन पर आपको घर आके दिखाएंगे। ब्लॉग एडिट आपके पास बस पड़े हुए हैं, तो बस ना वो एडिट कहना बने पड़े हैं, एडिट नहीं बस हुए, थोड़ा कुछ कुछ अंदर से एडिट हुआ है, कुछ कुछ नहीं हुआ, वो भी हम एडिट करके हम साथ साथ अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। अब ये पता नहीं किस दिन का ब्लॉग था, वो किस दिन का था बनाया था मैंने, था याद नहीं आया यार, ये जिस दिन दादू की रहा उस दिन भी ब्लॉग बने थे, दो के बनाए थे मैंने। तो बस बाकी सारा सीन आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ, चलते हैं। One hour later. चलो भाई तो यार डॉक्टर पास आ गए, मैं मेडिसिन लेने, बाकी चेक करो रोग कितना रही है, दवाई तो देखो। हाँ? क्या रोग रही हो? नहीं ये तीन नीचे की। क्या तीन नीचे की? अच्छा तो क्या कुछ भी नहीं टूटा? वो तो डॉक्टर ने पहले किया कि आ जाओ नेक्स्ट पेशेंट या मेडिसिन जो भी चक्कर जो होता है। तो बस नहीं आपको इंजेक्शन, वो तो मम्मा की मेडिसिन हम नहीं आई नहीं। तो बस अभी मम्मा बुला रही हैं, बारी आगे मारी तो चलते हैं। अच्छा 346 मिनट्स लेटर हॉस्पिटल से हम हो गया गई हुई, ठीक है। बाकी कजन अभी कर रहे हैं, ये आपको बातें आ रही होगी, आपने करनी सिर्फ सिर्फ इग्नोर सारी बातें, ठीक है। बस भी ध्यान नहीं करना, बस आपने हमारे पे ध्यान करना, मेरे पे इस पे। अभी वहाँ के प्रोजेक्ट दिखाएंगे, इसका दिखाएंगे होंडा सिविक, होंडा सिविक का प्रोजेक्ट बताएंगे, दिखाएंगे कौन सा मॉडल है, क्या मॉडल है इसका, 2005 बाद देखना जरा, प्रोजेक्ट बड़ा हैवी स्क्रीन होगा। तो बस अब बाकी बातें बड़ी ज़्यादा आ रही है, गिरावर 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 चुप कर पे कुत्ते। तो प्रोजेक्ट आपको बस दिखा देते हैं वैसे ही फिलहाल, अभी बस ये प्रोजेक्ट हमारा, इसकी रीम चेक करा, हाँ ये साइड पे हो जाएगा थोड़ा, ये इसकी रिंग है, बाकी ये माँ को हर चीज़ चेंज हो जाए, इसके प्रोजेक्ट बड़ा है, इसकी लाइट चला दे रहा है, वो प्रोटो को लाइट चला दे रहा है इसकी, जल्दी ये चला इसका, एक दो उसकी भी एक दफ़ा आवाज़ सुना दे, चल भाई चेक करो बस आप प्रोटोकॉल लाइट से, चस ना आए थे पैसे वापस, एक मिनट वेट कर दे रहा, एक दो उसकी आवाज़ चेक करो ज़रा। तो सही लगी होगी, एक मिनट बनाओ ज़रा, थोड़ा बनाओ एक मिनट, आपको बात सुनाते हैं इसकी, सुन लिए की बात आप लोगों ने, तो बस ठीक है अभी हम जा रहे हो, ओके फिर भाई यार अल्लाह हाफिज़। तो बस अभी जा रहे हैं, ये हम नहीं जा रहे सॉरी भाई, जा रहे हैं अल्लाह हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय। तो बस अभी ये लोग जा रहे हैं, और महल्ले में बिल्कुल नेरा हो गया, ब्लैक क्यों भाई लाइट गई हुई है, तो बस जा रहे हैं, ओके भाई यार टाटा बाय बाय, देखना सर कोई है नहीं, ओए हो मजा ओए मजा ही, अभी उधर ब्रेक पड़ी इसका मुंह मजा ही, ओ आपने नाक पे ना मार, ओए ये क्या भाई ओए ओए, और पीछे से वो मजा ही, इधर इसके मुंह में लाखुल मेरा लग गई। तो यार कज़न चले गया हुआ है, तो बस चले गया हुआ है ठीक है अपने घर। तो जैसे जैसे वो साथ साथ करवाता रहेगा गाड़ी का, आप शाम को साथ साथ दिखाते रहेंगे, न्यू प्रोजेक्ट हमारा होंडा सिविक 2005 मॉडल,
बाकी सारा आपको दिखा दी सीन। अभी मैं ना एक वीडियो लगा था लगाऊंगा, वो उससे बनाई हुई थी हमने, एक और वीडियो बनाई हुई थी वैसे ही, ठीक है, कि ये जगह पे जा रहे हैं आपको दिखा, तो व्लॉग के अंदर मैं लगा दूंगा, वो बड़ी प्यारी वीडियो बनी है, बड़ा हैवी सीन वो रहा है। अभी पहले लाइट गई थी तो आपको सही तरह नज़र नहीं आ रहा होगा, तो बस अब आप लोग कोई पिछड़ा बच्चा को देखा ना ठक बीच बच्चा उसकी गाड़ी के पास बैक आ रहा था, तो बच्चे भाई कभी आगे जा रहे कभी पीछे आ रहे सीधा डरन बीच उसके भाई बच्चा आगे मैं सीधा पता नहीं कोई मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल लग गया, तो चलो जो भी हो कह रहे बच्चा बच पूछ गया, मैं क्या भाई चेक तो करा सेट सुट नहीं फटा फुटा, कहता नहीं कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ, मैं कहा चलो ठीक है। तो बस चलो इस ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भाई को ज़्यादा प्यार दिखाओ, ओके अल्लाह हाफिज़। और बाकी मेहमान भी बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, आपको भाई थोड़ा थोड़ा ब्लॉग थोड़ा बहुत सेटमेंट होने लगा, और बाकी अब आप लोगों ने आपके भाई से नहीं भी पूछना कि वो क्या हुआ था सुबह वाला जो लड़ाई हुई वाला हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ, बस छोड़ो खत्म हो गई कहानी, अल्लाह हाफिज़।